वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे क्लास 12 का बुक बिस्तर से एक स्टोरी है, पर्ल एस बग्जी ने लिखा है, द एनिमी। ओके, तो चलिए बिफोर यू रीड ये शुरू करते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर का टाइम था, और ये वर्ल्ड वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात कर रहा है जो 1939 से 1945 तक चला था। ओके, एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट। मतलब एक अमेरिकन प्रिजनर था जो युद्ध पे लड़ रहा था, वो पानी में बहते बहते मरे हुए अवस्था में। ओके, अभी तक मरा नहीं था लेकिन आधा मरा हुआ था ऐसा, वो वैसे हालत में कैसा क्या हुआ। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। और एक जापानीज डॉक्टर के घर के बगल में, मतलब दरवाजे के सामने जो सागर था, सागर किनारे कोस्टल एरिया में, वो आके गिर पड़ा था। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट्रियट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेसिकली सवाल ये है कि ऐसा क्वेश्चन कहा कि एज ए डॉक्टर के हैसियत पर वो व्यक्ति को ठीक करना ज़रूरी है, उसको बचाना ज़रूरी था, या फिर एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को सौंप देना ज़रूरी था। ओके, बहुत बड़ा सवाल है। तो ये स्टोरी को हम जब पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा हम लोगों को। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सदाओ होकिस हाउस, तो वो डॉक्टर का नाम क्या था जो जापानीज डॉक्टर के बारे में बताया गया है? तो जापानीज डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ होकी। तो उसका घर कहाँ था? देखिए, डॉक्टर सदाओ होकिस हाउस वॉज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। उसका घर था जापानीज कोस्टल एरिया में, सागर किनारे के तट पर उसका घर था। ओके, उसका बचपन वहीं पे काटा है। ओके, द लव स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंड पाइन्स। और सागर किनारे जो तट पर सागर से थोड़ा सा ऊंचा पत्थर से बना हुआ उसके स्क्वायर टाइप उसका एक घर था, और उसके चारों तरफ पाइन का पेड़ था। ओके, पाइन पेड़ से चारों तरफ से बना हुआ था। उसके बाद बताया, एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। जब वो छोटे थे तो वो जो पाइन के पेड़ होते थे उस पर चढ़ता था, उड़ता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, नंगे पैरों से वो उठता था, नंगे पैरों से उठता था। क्यों? एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स। वो नंगे पैर वो पेड़ पर चढ़ जाता था। क्यों? इतना छोटा था, उसको नॉलेज कैसे आया कि नंगे पैर एक पेड़ पर चढ़ना है, चढ़ सकते हैं? क्योंकि साउथ सी के एरिया में कोई लोग थे जहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, कोकोनट के पेड़ पर चढ़ता था कोकोनट तोड़ने के लिए, और नंगे पैर उठते थे वो लोग। ओके, तो वो देखा था और उसको पता चल गया था कि कैसे उठना है पैर में। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोस सीज। और वही जो सागर है, सागर के उधर जो आइलैंड है, द्वीप है छोटा छोटा, उधर घुमा के लेके आया करते थे उसके पिताजी, डॉक्टर सदाओ होकी के पिताजी। ओके, एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड। और वहाँ पर जब जाते थे, एक चीज़ हमेशा एक चीज़ उसको बोलते ही थे उनके पिताजी, एक चीज़ हमेशा डॉक्टर सदाओ को बोलते रहते थे जब वो छोटे थे। क्या बोलते थे? दोज आइलैंड्स योंडर, योंडर का मतलब ओवर देयर, वो जो छोटा छोटा द्वीप तुम देख रहे हो ना, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान। वो हमारे जापान के फ्यूचर है, भविष्य है। वो छोटा छोटा पत्थर का जो दिखाई दे रहा है ना तुमको, छोटा छोटा द्वीप वह उधर जाने के लिए, वो हमारे जापान का फ्यूचर है।
उसके बाद क्या बोला देखिए, एक सवाल पूछा, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम ये जो स्टोन है, पत्थर है, जो आइलैंड है, यहाँ से हम कहाँ तक जा सकते हैं, ओके, या यहाँ से अगर जाएंगे तो इसका फ्यूचर क्या होगा, कहाँ तक हम जा सकेंगे। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, और सदाव ने तो सीरियसली पूछ लिया था जब वो छोटे थे तब। हु नोस, हिज फादर हैड एंसर्ड, तो पिताजी ने जवाब दिया, क्या पता, किसको पता होगा कि ये कहाँ लेके जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारा जो भविष्य है कौन इसको रोक सकते हैं, हमारा भविष्य को कौन रोक पाएंगे, हमारे जो जापान का जो फ्यूचर है ये कोई रोक सकता है क्या, कोई नहीं रोक सकता, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, और ये डिपेंड करता है हमारे जापान का फ्यूचर, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे, ओके तो हमारा बेसिकली अगर हमारे ऊपर अगर लागू कर दिया जाए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा जैसे हम इसे बनाएंगे, आज अगर हम जैसा काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर तो वैसा ही बनेगा। तो ऐसा ही कहा कि हमारे जापान का फ्यूचर वही होगा जैसा हम इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर पेज पर जाते हैं, सदाव हैड टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरी थिंग हिज फादर सेड, और उनके पिताजी ने जो भी चीज़ कहा है इन सारे चीज़ों को सीरियसली अपने दिमाग में बिठा लिया था, ओके। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड और प्लेड विथ हिम बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, तो यहाँ पर क्या बताया गया कि उनके जो पिताजी थे कभी भी उनके साथ, डॉक्टर सदाव के साथ कभी नहीं खेला, मजाक भी नहीं किया, उनका सिर्फ एक ही दुख दर्द से इतना मेहनत करके सिर्फ उनको बेटे को पाल पोस के बड़ा किया शानदार से, उसके इतना मेहनत करके इतना, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर न्यू दैट, सदाव न्यू दैट His education was his father's chief concern. और सदाव की ये पता था कि मेरे पिताजी को सिर्फ एक ही चिंता है, मेरा पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, सिर्फ एक ही टेंशन था। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learnt of surgery and medicine. और जब सदाव की 22 उम्र हो गई थी, 22, तब उसको अमेरिका भेज दिया गया, किसके लिए, उसको डॉक्टरी सीखने के लिए, जैसे सर्जरी सीखने के लिए, मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए 22 की उम्र में उसको अमेरिका भेज दिया गया। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अमेरिका और जापान के अंदर उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, पहले से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही वो उसका रिलेशन अच्छा नहीं था, अपने आप को दुश्मन मानते हैं, अमेरिका जापान को दुश्मन मानते हैं और जापान अमेरिका को दुश्मन मानते हैं, ये पहले से ही था किताब के अकॉर्डिंग टू बुक एंड ऑल एंड अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, ओके हमें पता लगता है। तो यहाँ पर आइए देखिए, ही हैड कम बैक एट 30 और पढ़ाई करके उनका सदाव का उम्र जब 30 साल हो चुका था तब वो वापस जापान में आ गए, एंड बिफोर हिज फादर डाइड, मतलब उनके पिताजी की मृत्यु से पहले, उनके पिताजी मरने से पहले ही He had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और उनके पिताजी मरने से पहले सदाव को कैसे करके देख के गए, सिर्फ एक डॉक्टर बनते हुए देख के नहीं गया, एक साइंटिस्ट भी बना वो भी देख के गए उनके पिताजी, ओके एक सर्जन भी बना और एक बड़ा साइंटिस्ट भी बना था, फेमस साइंटिस्ट। और फेमस कैसे हुआ साइंटिस्ट में, सर्जन में फेमस कैसे हुआ, Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. और वो एक ऐसे डिस्कवरी में काम कर रहा था, ऐसे आविष्कार कर रहा था कि कोई भी घाव को वो क्लीन कर पाए, सफाई कर पाए, ओके कोई भी घाव को वो क्लीन कर पाए, इसके ऊपर वो डिस्कवरी कर रहा था, आविष्कार कर रहा था। He had not been sent abroad विद द ट्रूप्स, और ट्रूप्स के मतलब तो पता होगा ग्रुप, आर्मी का जो ग्रुप होता है, तो उनको
शदाव को वो ट्रूप के साथ विदेश भेज नहीं दिया था। तो क्या बता रहा था कि जो शदाव को वो ग्रुप के साथ विदेश भेजा नहीं था युद्ध के लिए। ओके, क्यों नहीं भेजा था उसको? ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर ए कंडीशन फॉर व्हिच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। और उनको पता था कि उनको भेजा क्यों नहीं गया, क्योंकि वो जनरल साहब जो है उसको तबीयत खराब होते ही रहता है और वो सीरियस थे, कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है, और शदाव को बहुत भरोसा करते थे। तो इसलिए शदाव को रोक दिया गया कि तुम यहाँ पर ही रहो और जनरल साहब का ज़रूरत पड़ सकता है तो तुमको ही तो ऑपरेशन करना पड़ेगा जनरल साहब का। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी शदाव वॉज बींग कैप्टन जापान। तो इसीलिए शदाव को जापान में ही रोक दिया गया, उसको वार के लिए नहीं भेजा था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, ये जब शदाव छोटे थे, छोटे के उम्र थे, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गया और 30 साल उसका उम्र हुआ, उसको जॉब लगा, इसके बारे में ये पास्ट सोच रहा था। शदाव पास्ट के बारे में सोच रहा था, अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ये प्रेजेंट सिचुएशन है, वो पास्ट था। ओके, यहाँ तक पास्ट के बारे में बताया गया है, और यहाँ से अभी प्रेजेंट सिचुएशन उसके बारे में अभी पता लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओसिन नाउ, और जो ओसिन है, ओसिन से बादल उठ रहा था। ओके, बादल उठ रहा था। द अनएक्सपेक्टेड वार्म ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट, और रात में कई दिनों से बहुत गर्मी आ चुकी थी, इतना गर्मी फैल चुका था उस एरिया में। लेकिन क्या हुआ, एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग, लेकिन उस दिन क्या हुआ, एकदम फॉग से भर गया था, मतलब ठंडा हो गया था। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, जो वेव आ रहा था वो वेव के कारण एकदम फॉग से भर गया था, ठंडा हो चुका था एरिया। शदा वास्ट मिस्ट हाइट आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड्स नियर द शोर, और शदाव ये देख रहा था कि कैसे वो फॉग, वो मिस्ट कैसे छोटे छोटे आइलैंड को ढक रहा था। एंड देन कम क्रीपिंग अप एंड बीच एंड द बीच बिलो द हाउस, और कैसे रेंगते रेंगते वो बादल, वो फॉग कैसे रेंगते रेंगते ये कोस्टल एरिया में आ रहा था। ओके, घर को ढकने के लिए। रेथिंग अराउंड द पाइंस, जो पाइंस के एरिया थे, पाइंस पेड़ जो थे, उनको तो ऑलरेडी ढक चुका था ये फॉग आके। अभी क्या, इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ मिनटों में घर को भी ढक देगा ये फॉग आके। ठंडे के मौसम में क्या होता है, आप लोग देख लीजिएगा, दिसंबर जनवरी में दूर का एक पत्ता भी दिखाई नहीं देता, एक पेड़ भी दिखाई नहीं देता, फॉग क्या करता है उसको ढक देता है। ओके, फॉग क्या करता है इसको ढक देता है। तो ऐसे करके जो पाइन ट्री थे, आइलैंड थे, और ये सभी चीज़ों को ढक दिया था फॉग ने, और धीरे धीरे कुछ मिनटों में उनके घर को भी ढकने वाला था, ऐसा बोला शदाव ने। उसके बाद देखिए, देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रेन, और उसको कहा जाना था, उसको जाना था कि अभी तो फॉग आने वाला है, ढक देने वाला है पूरा, तो मैं अंदर अभी जाऊँगा। कहाँ पर जाऊँगा, उनके जो वाइफ है, वाइफ का नाम क्या है, हाना, आप लोग याद रखिएगा, जो कि अपने रूम में दो बच्चों के साथ इंतज़ार कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा का पूरा फर्स्ट जो वहाँ तक पड़ा था वो जब बचपन का बारे में बताया गया था, वो याद कर रहा था, घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर वो याद कर रहा था कि उसका बचपन ऐसा 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 था। अभी ये जो हम पढ़ रहे, ये प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताया। तो उसके बाद देखिए, शदाव को तो अंदर जाना था, ठीक है, बाहर तो वो फॉग आ रहा था, ठंडा बढ़ रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से देखिए, ये इस लाइन से, बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपेंड, और तभी क्या हुआ, शदाव को तो अंदर जाना ही था, तभी क्या हुआ, वो हाना बाहर आ गया। ओके, दरवाज़ा खुल के हाना बाहर आ गया, शी लुक्ड आउट, वो बाहर अच्छे से देखा आने के बाद कि बाहर कितना अंधेरा है, ये देखा, ए डार्क ब्लू वूलन हाउरी, और देखिए साइड में मैंने पिक्चर दिया हुआ है, ये हाउरी है, ये जापानीज कल्चरल क्लोथ होता है उनके कल्चर का, डार्क ब्लू हाउरी पहना हुआ था, ओबारार किमानो। ओके, वो जो अंदर दिखाई दे रहा है ना पिक्चर में, ठीक है, वो किमानो है, और उसके ऊपर ये हाउरी पहना हुआ था हाना। उसके बाद, शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, और हाना आने के बाद जो कि उनकी शदाव की पत्नी थी, तो वो आके शदाव को अपने बाहों में पकड़ के अच्छे से खड़े रहे। उसके बाद ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, और ये हाना को, हाना से मुलाकात कब कहा हुआ था शदाव से,
अमेरिका में मुलाकात हुआ था। अभी देखिए फिर से ये लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने पास्ट को अभी सोचने लगेगा, कैसे दोनों अपने बाहों में ऐसे खड़े होके एक दूसरे को पकड़ के अपने पास्ट के बारे में अभी सोचेगा। क्या सोच रहा था कि वो लोग कहाँ पर उनका मुलाकात हुआ था, अमेरिका में मुलाकात हुआ था जब शदव पढ़ने के लिए गया था 22 की उम्र में। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानी। लेकिन शदव इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो जापानीज होगा, अगर हाना जापानीज होगा तभी जाके उससे प्यार करने लगेगा। वो इंतज़ार कर रहा था शदव, इसका मतलब क्यों, अगर वो हाना अमेरिकन होता तो प्यार नहीं करता क्या? बिल्कुल प्यार नहीं करता, क्योंकि हमें पता है हिस्ट्री भी यही बताता है कि अमेरिका और जापान में पहले से ही युद्ध चल रहा था, ओके, दुश्मनी है अपने आप में, तो इसीलिए प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए इंतज़ार कर रहा था कि अगर वो जापानीज होगा तभी मैं उनसे प्यार में गिरूंगा। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। और यहाँ पर शदव के पिताजी कभी भी हाना को एक्सेप्ट ही नहीं करता अगर वो जापानीज नहीं होती तो, ओके, उनके पिताजी एक्सेप्ट करता ही नहीं क्योंकि उनके पिताजी पुरानी ख्यालत के थे, ओके। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट, ही वंडर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ ही हैड नॉट मेट हाना। वे सदा वहाँ पर खड़े होकर सोचता है कि अगर मैं हाना से मुलाकात नहीं करता, हाना मुझे अगर नहीं मिलती तो मुझसे किससे शादी होती, हाँ, कौन सी लड़की से मेरा शादी होता, ये सोच रहा था। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और एकदम सिंपल वे से हाना से मुलाकात हो गया था, कैसे, अमेरिका में, बाय चांस, लिटरली, ओके, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में हाना से मुलाकात हो गया था, अमेरिकन प्रोफेसर के घर में, ओके, याद रखिएगा। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और जो उनके प्रोफेसर थे, शदव और हाना के जो प्रोफेसर थे और उनके वाइफ थे, वो काइंड हार्टेड थे, दयालु भाव के थे, और उनके फॉरेन स्टूडेंट्स को वो हेल्प करते थे, ओके, फॉरेन स्टूडेंट्स, जो लोग अमेरिका से बाहर से आते थे अमेरिका में पढ़ने के लिए, उनको वो हेल्प करते थे। एंड द स्टूडेंट्स द बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जो कि स्टूडेंट्स बोर्ड हो जाते थे, ओके, प्रोफेसर और उनके वाइफ के बातें सुन सुन के बोर्ड हो जाते थे, फिर भी जो कि वे काइंडनेस थे, ओके, दयालु थे, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेते थे उन लोगों को। सदव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्डली हाउस दैट नाइट। कि सदव हाना को बोलता है कि अगर हाना प्रोफेसर के घर में नहीं जाता तो, अगर डॉक्टर सदव प्रोफेसर के घर में उस दिन नहीं जाता तो क्या होता, उनसे मुलाकात होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ओके। द रूम्स वेयर सो स्मॉल, और प्रोफेसर के जो रूम हैं वो बहुत ही छोटे थे, द फूड सो बैड, और तो खाना देते थे बहुत ही ख़राब था, द प्रोफेसर वाइफ सो वैल्युएबल, वैल्युएबल में ज़्यादा बातें करने वाला, ओके, ऐसा था, मतलब बोर्ड कर देते थे सभी को। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और जो कि उस दिन सदव जाने वाला था वहाँ पर, उसका हिस्सा नहीं था कि प्रोफेसर के घर में उस दिन जाए, लेकिन फिर भी गया, क्यों नहीं जाने वाला था, क्योंकि उनके वो जो वाइफ थे ज़्यादा बातें करता था, खाना अच्छे नहीं देता था, बोर फील होता था, लेकिन फिर भी उस दिन प्रोफेसर के घर में गया तो हाना से मुलाकात हो ही गया उस दिन। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना ए न्यू स्टूडेंट, हाना एक न्यू स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वेयर एट ऑल पॉसिबल, अगर संभव होता तो उससे प्यार करती, तो ऐसा सोच रहा था, पास्ट के बारे में सोच रहा था। देखिए वहाँ पर कहाँ पर खड़े होके दरवाजे के सामने दोनों अपने आप को पकड़ के इसके बारे में सोच रहा था, पास्ट के बारे में सोच रहा था। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। तो अभी फिर से प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट सिचुएशन में दोनों अपने आप को पकड़ के हुए खड़ा था, ओके, बाहों में पकड़ के हुए खड़ा था और एक दूसरे को प्लेजर दे रहा था, ओके, दोनों रोमांटिक हो रहे थे ऐसा ही। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, और बहुत साल हो चुके थे ताकि उनको दो बच्चे तो हो ही जाए, इतना
साल तो हो चुका था उनका और दो बच्चे हो भी गए। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने अमेरिका में शादी किया ही नहीं। हालांकि वो लोग अमेरिका में शादी कर सकते थे लेकिन अमेरिका में वो लोग शादी नहीं किया। क्यों? दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, और वो लोग अमेरिका में अपना पढ़ाई खत्म किया, स्कूल कॉलेज का पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जापान में घर वापस आ गए। क्यों उन्होंने जापान में शादी क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पिताजी इतना मेहनत करके भेजा है पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद देखिए, व्हेन हिज फादर हैड सीन हर एट द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, और जब उनके पिताजी हाना को देखा और पसंद आ गया तो शादी अरेंज किया और दोनों को शादी करवाया दिया गया, जापानीज कल्चर में शादी करवाया उनको। ओके, ऑल दो शदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, तो क्या हो गया? और शदाओ ने हाना ने शदाओ को पहले से ही सारे चीज़ें बता दिया था कि ऐसा ऐसा है, हम अपने कल्चर में शादी करेंगे, हम यहाँ पर शादी नहीं करेंगे। ओके, सारे चीज़ें बता दिया गया कि मेरे पिताजी पुराने ख्याल के हैं। ओके, उसके बाद देखिए, दे वेयर परफेक्टली हैप्पी, और दोनों तो परफेक्टली हैप्पी हो चुके थे। शी लेड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और वही दरवाजे में जो खड़े थे वहाँ पर अपने गालों में किस दे के, ओके, भाव में पकड़ लेता है, बोलने में भी आता है। ओके, फिर भी बोलना तो पड़ेगा। तो आइए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा शुरू करते हैं यहाँ पर, पैराग्राफ। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, और तभी उनको एक ऐसा चीज दिखाई देता है कि वो अंधकार से कुछ ऐसा काला काला सा कुछ बाहर आ रहा है। ओके, मिस्ट फॉग के अंदर से कुछ काला काला सा हमारे तरफ आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा था। इट वॉज ए मैन, और वो क्या देखा कि ये तो एक इंसान है, ये देखे साइड में ऐसा दिखाई दे रहा था, और वो लोग हाँ ये तो इंसान है। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, और वो ओशन से बाहर आ रहा था। फ्लंग इट सेम टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, और ऐसा लग रहा था कि उसके पाँव में चोट आया है, टांग टूट चुका है ऐसा लग रहा था। ही स्टेगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, और कुछ देर चलते ही हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और वो कुछ देर चलते 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 वो मिस्ट से बाहर आ गए थे। ओके, हिज आर्म्स अबव हिज हेड, देन द कर्ल्ड मिस्ट हैड हिम अगेन, और उसके बाद वो मिस्ट से बाहर आ गए थे। ओके, और यहाँ पर आने के बाद वो क्या हो जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, सर मिट्टी पे धस जाता है, ऐसा होने वाला है। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए। हु इज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाती कि वो कौन है, वो कौन है। ओके, शी ड्रॉप शदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, और दोनों अपने आप को छोड़ देते हैं और जो रेलिंग के बाहर वो अपने माथा को ऐसे करके आगे करके देखने लगता है कि वो कौन है, बरामदा से बाहर वो देखने लगता है। नाउ दे शॉ हिम अगेन, और वो दोनों, वो जो इंसान आ रहा था दोनों को फिर से देखता है। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्रॉलिंग, और वो रेंगते रेंगते जो मिट्टी था, ओके, रेत था, रेत में रेंगते रेंगते आ रहा था, ऐसा बताया गया। देन दे शॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और अपने जो चेहरा था वो रेत में गिर गया। ओके, रेंगते 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 अपना जो चेहरा था वो रेत में गिर गया था। देन दे शॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उसके बाद ए फिशरमैन परहैप्स, शदाव सेट, और शदाव ने कहा शायद ये एक फिशरमैन होगा। ओके, शायद ये फिशरमैन होगा जो मछली मार रहा था, मछली पकड़ रहा था, अभी वापस आया। वॉश फ्रॉम इस बोट, जो कि बोट से गिर गया था, वो शायद अभी यहाँ से बहते बहते किनारे तक आ पहुँचा है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना कैम, और वो शदाव दौड़ते दौड़ते बाहर आ गया और हाना शदाव के पीछे पीछे भी बाहर आ गया। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और हाना जो किमोनो पहने हुए थे और पहने हुए थे वो उड़ रहा था। ओके, ए माइल और
टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, और वहाँ से कम से कम 1-2 माइल दूर में एक फिशिंग विलेज थे, सिर्फ वहाँ पर मछली पकड़ने वाले लोग ही रहते थे वहाँ पर। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लॉनली कोस्ट, हम जहाँ पर रहते थे वो एक लॉनली कोस्टल एरिया थे, वहाँ पर सिर्फ हम ही रहते थे और कोई नहीं रहता था वहाँ पे। ओके, डेंजरस विथ रॉक, और हम कहाँ पर रहते थे, यहाँ पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर था, कोई भी आके अगर यहाँ पर गिरेगा तो पत्थर में लगेगा और मरेगा, ऐसा एरिया में, डेंजरस एरिया में हम रहते थे। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बाहरी लोग नहीं रहते थे, ऐसा बताया। सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बेडली टॉर्न, और जैसे तैसे करके वो इंसान शायद फिर भी यहाँ पर आ चुका है और बहुत ही चोट आया है शायद, बेडली टॉर्न मतलब बहुत ही चोट आया, दर्दनायक चोट मिला होगा इंसानों को। क्यों? क्योंकि यहाँ तक कोई भी इंसान बहते बहते आएगा तो पत्थर भी लग सकता है उसको। ओके, निडल टाइप का पत्थर है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए, दे शॉ व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट्स व्हाट इट वाज सो, द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टेन ऑफ रेड शॉकिंग थ्रो हिज वॉन्डेड, और जो वो मिट्टी पे गिर पड़ा था वहाँ पे जब वो दोनों आए, आके देखा कि हाँ ये तो मिट्टी पे गिर पड़ा है, रेत में गिर पड़ा है, और वो जब आके देखा कि उसका घाव हो चुका था, ही इज ऑन्डेड, उसका घाव हो चुका था, उसका चोट पहुंचा है, शायद ये पत्थर से चोट पहुंचा है, ऐसा देखा कि हाँ यार इसको तो बहुत सारा घाव लगा है, शदाव ने बोला। ही मेट हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, और जो इंसान था वो एक मोशनलेस बन के पड़ा हुआ था, वो हिलडुल नहीं रहा था, हिज फेस इज इन द सैंड, और उसका चेहरा जो था सैंड के तरफ था, माथा नीचा करके मिट्टी के तरफ, रेत के तरफ था उसका सर, फेस, एन ओल्ड कैप स्टक इन हिज हेड सॉक्ड विथ सी वाटर, और उसके सर पर एक कैप था, टोपी था, जो कि पानी से एकदम सॉक हो चुका था, ओके गीला हो चुका था, वॉज इन वेट रेक्स ऑफ गारमेंट्स, और वो कपड़े पहना हुआ था वो भी गीला हो चुका था। शदव स्टॉप हाना एट इज साइड एंड टर्न द मैंस हेड हिज दे शो द फेस, और जब शदव और हाना दोनों पकड़ के जब उनको उल्टा किया तो चेहरा देखने के लिए मिला, और जब चेहरा देखा तो वो लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे। क्यों सरप्राइज हो गए? ये व्हाइट मैन, शाना हाना विस्पर्ड, और हाना ने चिल्लाया कि ये तो व्हाइट मैन है, ये तो अमेरिकन है। ओके, व्हाइट मैन मतलब अमेरिकन को ही बोला जाता है, ये तो व्हाइट मैन है। यस इट वॉज ए व्हाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर। अच्छा, तो उसके बाद तो शदव ने रिप्लाई दिया, हाँ ये तो व्हाइट मैन है, और जब उसके सर से कैप जब गिर गया, उसके येलो कलर का हेयर भी दिखाई दे रहा था, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और ऐसा लग रहा था कि कई हफ्ता तक उसके बालों को नहीं काटा था। एंड अपन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज रफ येलो बियर्ड, और ऐसा लग रहा था उसको बहुत ही टॉर्चर किया गया हो, उसके चेहरा भी पीला पीला पड़ गया था, उसका जो बियर्ड था वो भी पीला पीला पड़ गया था। ही वॉज अनकॉन्सियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम। ओके, और वो अनकॉन्सियस हो गया था, उसका होश नहीं था, ओके बेहोश हो गया था, और उसको पता ही नहीं कि ये इंसानों के, ये जो व्हाइट मैन थे उसके साथ क्या क्या किया गया। ओके, शायद इसको पता ही नहीं होगा। उसके बाद देखिए, नाउ शदव रिमेंबर्ड द ओंड, और शदव तब ओंड की तरफ देखता है, घाव की तरफ देखता है, एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और जो कि उसका हाथ, जो कि एक्सपर्ट फिंगर है, जो कि वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर के हाथ कैसा होता है, एक्सपर्ट फिंगर होता है, ओके उसको पता चल जाता है हाथ लगाने से ही, तो एक्सपर्ट फिंगर के साथ वो सर्च करने लगता है और कुछ हुआ है क्या इसको। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जब उसको टच कर रहा था घाव के अगल बगल में, तो बहुत ही वो ब्लीडिंग हो रहा था, उसके ब्लड निकल रहा था। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक शदव शॉ दैट ए गन वुंड हैड बीन री ओपन, और नीचे बैक साइड में राइट की तरफ एक घाव दिखाई दे रहा था, जहाँ पर बुलेट लगा था, बंदूक की गोली लगा था। ओके, द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और वहाँ पर पाउडर लगा था, ओके घाव के उस तरफ। सम टाइम नॉट मैनी डेज एगो, यह बोला कि कुछ समय पहले ही हुआ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ इसको गोली लगा हुआ, कुछ ही समय पहले इसको गोली लगा है। द मैन हैड बीन शॉट, और
इस इंसान को गोली लगा है एंड हैड नॉट बीन टेंडेड इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंड, और ये भी बहुत खराब हो सकता था कि उसको शायद इस घाव में वो जो पत्थर था, नेडल वाला पत्थर भी वहाँ पर होता है सागर किनारे, शायद वो भी लगा होगा इसको वहाँ पर। ये तो बहुत ही खराब हुआ। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, देखो कितना खून निकल रहा है, हाना ने बोला। ओके हाना स्पार्ट अगेन इन ए सोलेम वॉइस, द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, और मिस्ट आके फॉग आके सभी को ढक दिया था टोटली। एट इज एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन कैम बाय, और जब जो टाइम हुआ था तब वहाँ पर कोई भी नहीं आता था बेसिकली। द फिशरमैन हैड गॉन होम, और फिशरमैन भी अपने अपने घर चला गया होगा। इवन द चांस डिस्कम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट द एंड, जो कि शाम हो चुका था ऐसा सभी लोग वहाँ से चला गया था, जो कि दिन का समाप्त हो चुका था तो कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं था, सब इंसान वहाँ से चला गया था। What shall we do with this man? और सदाव ने बोला कि हम इस इंसान के साथ अभी क्या करें बोलो। देखिए पहले क्या लिखा था वहाँ पर सबसे पहले वाला पेज में, कि वो डॉक्टर होने के नाते उसका इलाज करे या फिर देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को जमा कर दे। अभी देखिए आ गया, अभी वो सदाव मार्टर्ड कर रहा है, ओके हड़बड़ा रहा है कि इसको अभी क्या करें इस इंसान को। बट हिज ट्रेंड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू स्टेंस द फेयरफुल ब्लीडिंग, लेकिन उसका हाथ तो काम पे लगा ही था, जो कि डॉक्टर था उसका हाथ वो ब्लीडिंग को रोकने में ही लगा था। ओके ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रिप्ड द बीस, और सी मॉस जो होता है सागर किनारे जो पत्ता वगैरह होता है, मॉस होता है, उससे वो ब्लीडिंग को ढक दिया ताकि ब्लीडिंग थोड़ा सा कम हो। द मैन मूंड विथ पेन इन हिज स्टॉपर बट ही डिड नॉट अवेकन, और वो इंसान अपने आप अंदर से ही शायद बहुत दर्द फील कर रहा था, अंदर ही शायद बहुत ही दर्द फील कर रहा था, लेकिन जो कि वो अनकॉन्शियस था तो वो हिल डुल नहीं रहा था, लेकिन अपने अंदर से तो बहुत ही दर्द फील कर रहा था वो। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू would be to put him back in the sea, Shadow said. Shadow ने क्या कहा, यह important line है, आप लोग इसको underline कर लीजिएगा। Okay, ये best part है, question भी आता है कि ये line किसने कहा था और क्यों कहा था। Okay, अपने आप को कहा था, देखिए Shadow ने क्या बोला, इसको अभी क्या करें, इसको फिर से सागर में sea में ढकल दे क्या, जहाँ से आया है वहाँ पर इसको ढकल देते हैं, ऐसा सोच रहा था। Answering himself. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. और जो कि वो ब्लीडिंग थोड़ा सा कम हो चुका था मॉस को लगाने के बाद, ब्लीडिंग कम हो चुका था तो इसीलिए वो खड़ा हुआ और उसके ऊपर जो डस्ट लगा था, हाथ में डस्ट लगा था उसको साफा करते हैं, अपने हाथ का जो डस्ट रेत लगा था उसको साफा करते हैं। Yes, undoubtedly that would be best, हाना सेट, और हाना ने क्या, हाँ यही बेस्ट होगा, आप इसको ढकेल दो जहाँ से आया है सागर में, इसको ढकेल दो, यही अच्छा होगा शायद। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन हाना भी क्या थोड़ा सा तो इमोशनल हो ही जाता है कोई भी इंसान को देखने के बाद, जिसको गोली लगा हो, फिर भी हाना जो कि बोल रहा था हाँ इसको ढकेल दो वहाँ पर जहाँ से आया है, फिर भी वो हाना कंटिन्यूसली वो मोशनलेस सो हिल ढुल नहीं रहा था, वाइट मैन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, और क्या बोलती है वो हन यहाँ पर देखिए, एंड इफ वी टर्नड हिम ओवर ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव, और सदाव क्या बोलता है, सदाव बोलता है कि अगर हम इस इंसान को अपने घर में रखेंगे तो हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। ओके इफ वी टर्नड हिम ओवर ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, अगर हम इसको प्रिजनर को मतलब आर्मी को भी दे देते हैं, पुलिस को भी सौंप देते हैं, फिर भी ये तो मरेगा ही मरेगा। ओके सदाव ऐसा बोल रहा था, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड, और लेकिन हाना ने क्या कहा, हाना ने फिर से कहा सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि हम इसे जहाज से आया है, सागर से आया है, सी से आया है, वहीं पर हम ढकेल देते हैं। ओके वहीं पर हम फेंक देते हैं तो ये अच्छा होगा हमारे लिए, हम तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे फिर भी।
बट नेदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी मूव नहीं किया, दोनों एक तभी वहाँ पर ही रुके हुए थे। दे वेर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर फिगर, तो वही वो लोग खड़े होके जो नीचे पड़ा हुआ फिगर है व्हाइट मैन है उसी को देख रहा था दोनों। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना ने बोला ये कौन है, वो व्हाट इज ही, ये कौन है, कहाँ से आया है, यह सब पूछ रहा था। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, और वो तो ऐसे अमेरिकन जैसा तो लग ही रहा था। शादा बोला हाँ कुछ तो है, ये तो अमेरिकन जैसा ही लग रहा है। ही टुक अप द बेटर्ड कैप, जो कैप जो टूटा फूटा हो टूट फूट चुका था कैप, उसको उठाता है। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, और कुछ कुछ लेटर दिख रहा है, जो लेटर मतलब धुंधला धुंधला सा पड़ गया है वो दिखाई दे रहा है। लिखा था क्या लिखा था कैप में, ए सेलर, एक सेलर मतलब नाविक, ओके, जो जहाज में रहता है, नेवी, ओके, वो नेवी था। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, वो अमेरिकन वारशिप के वो एक सेलर था। स्पेल्ड इट आउट, और वो स्पेल करता है, पढ़ता है, क्या पढ़ता है, US नेवी, ओके, यूनाइटेड स्टेट नेवी, वो नेवी थे, उसके कैप में लगा हुआ था। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये इंसान कौन थे, ये इंसान थे जब वार के लिए जो आता है ना आर्मी, तो उसी को बोला जाता है प्रिजनर ऑफ वार, और ये अमेरिकन के प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वार है। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, और वो ही हैज एस्केप्ड, और हाना तभी चिल्ला के बोलता है हाँ तो फिर ये तो एस्केप कर गया है, ओके, ये तो भाग कर आ गया है, शायद इसको पकड़ लिया था और ये तो भाग के चला आया है वहाँ पर। एंड दैट इज वाई ही इज वंडेड, इसीलिए शायद यहाँ पर उसको घाव लगा है इन द बैक। शदा एग्री, और शदा बोलते हैं हाँ पीछे लगा है, शदा भी एग्री करता है हाँ पीछे लगा है गोली, शायद यही होगा होगा। दे हेजिटेटेड, और वो दोनों घबरा जाता है, लुकिंग एट ईच अदर, एक दोनों को देख के वो घबरा जाता है। देन हाना सेड विथ रिजोल्यूशन, और हाना आराम से क्या बोलता है, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और बोलता है चलो क्या हम इसको अभी सागर में फेंकने वाले हैं, ऐसा बोलता है। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, अगर मैं इसको फेंक सकता हूँ क्या तुम भी फेंक सकते हो, सदा बोलता है हाँ मैं तो कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो, हाना को पूछता है। नो हाना सेठ, हाना बोलते हैं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, बट इफ़ यू कैन डू इट एलोन, जो भी करना है तुमको अकेला करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा, हाना ने ऐसा बोला। शदाव हेजिटेटेड अगेन, शदाव फिर से थोड़ा सा घबरा जाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, और सबसे अजीब बात यह है कि ही सेड, शदाव बोलता है दैट इफ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, बोला कि अगर ये इंसान को अगर घाव नहीं लगता, ओके, तो मैं आराम से इसको पकड़ के मैं पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, और मैं कोई कुछ भी केयर ही नहीं करता इसके ऊपर। ही इज माई एनिमी, जो कि ये हमारे एनिमी है, अमेरिकन है, ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी, हर एक अमेरिकन हमारे एनिमी है। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, जो कि ये कॉमन फेलो, कॉमन इंसान ही है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, देखे इसका चेहरा कैसा गंदा सा दिखाई दे रहा है, फुलिश मूर्ख जैसा लग रहा है, बट सिंस ही इज वॉन्डेड, जो कि ये वॉन्डेड है, उसका पीछे घाव लगा है जो कि मुझे खराब लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो अगर ये कुछ समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।